Good morning, grade 11 students. I guess you are able to see me, you are able to see my board, and you are able to listen to me even. If everything is okay, send me present, ma'am, with thumbs up. If everything is okay, send me present, ma'am, with thumbs up. Quickly, hurry up. Okay, fine. So you are able to see me properly. Good morning, everyone. Very good morning. Happy morning to everyone. Okay, you people are present. Good morning भी wish कर दोगे. मैंने तभी बोला आपको thumbs up भेजेगा साथ में. I know you people are present. Palak is present. Onkar, Khushwant. I hope they are present. Arman, Sahajpreet, Mahakpreet. Sureena is present, Anshika is present, okay. Jasmine is present, Jasmine Korsa, Sahota, I guess she is present. Sandar, Jasmine Sandar, Jashanpreet, Jasmeet, Snehil, Riyama is present, Snehil, Rhythm, Rhythm Rishi. All just come live quickly. Ekta is present, Jashanpreet Kaur is present, Sukman is present, Pavan is present, very good. Tushar is not present, I hope he is present. Okay, Prabjit is present, Ashdeep Saini is present, Jashanpreet Kaur, she is present, Jashanpreet Singh. Okay, so I got the first answer from Muskanpreet. Muskan ne sare chocolate kha jane hai. Muskan, every day you are the chocolate winner. So again, supply the definition I have given you. So quantity of a commodity, that is the kya tha second, willingness to sell. Theek hai, third was period of sale, period of time, and are you able to see me? I guess there is a problem. Connection instability is there. Now it's gone. I guess you are able to see me. Dekho, theek hai. Abhi aap dekh pa rahe ho mujhe. Okay, fine, fine, fine. ओके 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 सो लेट्स स्टार्ट विद द थिंग्स. सो हमने ये चार एलिमेंट्स किए थे. कौन कौन से चार एलिमेंट्स किए थे? द फर्स्ट वाज, मैंने आपको बता दिया, फर्स्ट वाज क्वांटिटी ऑफ द कमोडिटी, देन प्राइस ऑफ द कमोडिटी, देन विलिंगनेस टू सेल, एंड लास्ट वन इज पीरियड ऑफ टाइम. सो ऑल द थिंग्स वी हैव डन इन आवर लास्ट लेसन. So, उसके बाद हमने किया था देर आर टू, फ्यूचर में मेरी चीजों के प्राइसेस बढ़ जाएंगे तो मैं क्या करूंगी? मैं सप्लाई पहले करूंगी प्राइस बढ़ने से कि बाद में करूंगी? मुझे बताओ इसका आंसर जरा. सो एज अ प्रोड्यूसर, जस्ट हरी अप. भवन जो आप कैमरे पे ढूंढ क्या रहे हो इतना? मुझे तो समझ नहीं आ रही आपका कैमरा नॉट क्लियर. यस, गिव मी आंसर. बिफोर प्राइस इंक्रीजेस और आफ्टर प्राइसेस इंक्रीजेस. ओके, परमवीर हैज गिवन मी लेट. यस, राइट आंसर. तो हम लोग बाद में ज्यादा प्रोड्यूस, ज्यादा सॉरी सेल करेंगे, सप्लाई करेंगे जब प्राइसेस बढ़ जाएंगे. ठीक है, सो दिस इज द पॉइंट. ओके, सो नेक्स्ट देखो. अब
अब यही पॉइंट उन्होंने पूरा का पूरा मेंशन किया है. सो यहाँ पे लिखा है नियर फ्यूचर देन द करंट मार्केट सप्लाई विल डिक्रीज इन ऑर्डर टू रेज द सप्लाई इन फ्यूचर एट अ हायर प्राइसेस एंड हाउएवर द सेलर्स फियर दैट द प्राइसेस विल फॉल इन द फ्यूचर सो दे विल इंक्रीज द प्रेजेंट सप्लाई टू अवॉइड लॉसेस. अच्छा अब आपको पता है कोई चीज की हमने सेल करनी है विंटर्स में, उसकी डिमांड ज्यादा विंटर्स में होनी है और हमें सही प्राइस उसके लिए विंटर्स में मिलेगा, तो ऑब्वियसली हम लोग कब सप्लाई करेंगे? विंटर्स में करेंगे ना. सो विंटर्स में ज्यादा सप्लाई करेंगे. अगर आपको पता है विंटर्स में जाके उसका प्राइसेस कम, सपोज एग्जाम्पल इज समर वेयर्स, ठीक है, हमारे समर वेयर जो होते हैं क्लोथ्स एंड ऑल, ठीक है, जितने भी आइटम्स हम लोग यूज करते हैं उनके प्राइसेस हमें पता है कि विंटर्स में जाके तो बिल्कुल जीरो हो जाने हैं, हमें उसका कोई फायदा ही नहीं है, लोग उसको बाय नहीं करेंगे. सो इन दैट पॉइंट ऑफ व्यू हम लोग क्या करेंगे? सेल्स लगती है, दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ दिस. सो वो उसी टाइम पीरियड में वो कर देते हैं, ठीक है. सो उसी टाइम पीरियड में सेल करके जितने भी उनका एटलीस्ट जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है उसको कवर करने की कोशिश करते हैं. सो कम प्राइस पे जो कहते हैं स्टॉक क्लियरेंस सेल जो होती है, सो काइंड ऑफ दैट इज देयर ऑलवेज, ठीक है. सो ये वही चीज है जो मैंने आपको समझाई अभी, ठीक है. सो व्हाट इज दैट? दैट इज फ्यूचर एक्सपेक्टेशन रिगार्डिंग प्राइस. अगर हमें पता फ्यूचर में इसका प्राइस बिल्कुल भी नहीं मिलेगा तो ऑब्वियसली हम पहले भेज देंगे उससे जो सीजन चल रहा है उसके बेसिस पे तभी हम लोग कर देंगे, भेज देंगे चीजें, ठीक है. नेक्स्ट इज मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. अगर हमारे पास प्रॉपर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन है, ठीक है, सो अगर उनमें हम लोग इम्प्रूवमेंट कर देते तो हमारी सप्लाई ज्यादा हो सकती है, मेंटेन कर सकते सप्लाई को. अगर नहीं हुए हमारे पास तो हम लोग मेंटेन नहीं कर सकते सप्लाई को, कभी होगी कभी नहीं होगी. सो फिर आपको शॉपकीपर्स बोलते हैं ना, मैम ये चीज आ जाएगी, स्टॉक में नहीं है, स्टॉक में कल आ जाएगी, परसों आ जाएगी, तो दे डू इट लाइक दैट. सो दिस इज द पॉइंट, ठीक है. अगर हमारी जहाँ पे प्रोडक्शन हम लोग कर रहे हैं, वेयर वी हैव द प्रोडक्शन हाउसेस और वेयर वी हैव द प्लांट, सो इन दैट टाइम पीरियड हम लोग क्या करते हैं, वहां पे सप्लाई करते हैं चीजों की, ठीक है. अगर हमारे पास प्रॉपर कम्युनिकेशन फैसिलिटीज नहीं है, प्रॉपर मतलब कम्युनिकेशन मीन्स कॉलिंग एंड ऑल, ठीक है. कुछ एरियाज हैं इंडिया में भी, रूरल एरियाज मेनली, रिमोट एरियाज जहाँ पे हम लोग कहते हैं सारी चीजें अवेलेबल ही नहीं है, वहाँ पे ये चीजें कहाँ पे मिलती है? गाँव में स्पेशली हम लोग कहते हैं शहरों में ये चीजें अवेलेबल है. व्हाई पीपल वांट टू लिव इन द टाउन्स एंड सिटीज? दिस इज द रीजन कि वहाँ पे चीजें ही नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज नहीं है. इंफ्रास्ट्रक्चर मीन्स जैसे हमें गाँव में जिम वगैरह तो नहीं मिलते, सिटीज में आओगे जिम्स मिल जाएंगे, मॉल्स मिल जाएंगे. सो गाँव वाले लोग भी प्रेफर करते हैं शॉपिंग वगैरह जो टाउन्स एंड सिटीज में जाके. सो दिस इज वॉट दे आर ट्राइंग टू से. सो वहां पे सप्लाई की मेंटेनेंस नहीं हो सकती है, प्रॉपर सप्लाई नहीं की जा सकती बिकॉज ऑफ लैक ऑफ ऑल दिस फैसिलिटीज. जहां पे लैक ऑफ कम्युनिकेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन मींस होगा वहां पे आपकी सप्लाई मेंटेन नहीं रहेगी, वहां पे सप्लाई रेगुलर नहीं होगी, ठीक है. दूसरी जगह पे जहाँ पे आपकी सारी इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज है, आपके पास मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है, आपके पास कम्युनिकेशन फैसिलिटीज है, सो वो सारी चीजें क्या आ जाएंगी? देन दैट इज providing you proper maintenance of supply. तो आपके पास supply regular रहेगी. So this is what I'm trying to say. Now इसके बाद same points आपके आएंगे supply function में. So I'm just writing here. ठीक है, आपके supply function individual and वही चीजें आती हैं फिर यहाँ पे. So I'm going to rub this इनके नीचे ही लिख रही हूँ. Supply function for market supply and then for this individual supply. यहाँ पे ना लिखा है it is expressed. Supply को मैंने बोला था x. एस एक्स से करेंगे. सो इंडिविजुअल सप्लाई फंक्शन रेफर्स टू द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन सप्लाई एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग सप्लाई. सो जो जो हमारे फैक्टर्स है सप्लाई को जो इफेक्ट करते हैं उनके पॉइंट्स हमने लिखने हैं. सो यहाँ पे फंक्शन एफ स्टैंड्स फॉर फंक्शन ऑफ पी प्राइस ऑफ एक्स कमोडिटी, जिसकी हम बात कर रहे हैं सप्लाई ऑफ एक्स की करिए ना बात, तो यहाँ पे प्राइस ऑफ एक्स कमोडिटी विल अफेक्ट, प्राइस ऑफ अदर कमोडिटीज विल अफेक्ट, प्राइस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन विल अफेक्ट, देन price sorry state of technology will affect, ठीक है. Then is taste and preferences का हमने किया था point, that was taxes वाला किया था हमने, taxes and policies वाला, ठीक है. उसके लिए next वाला जो हमने किया था that was government goals and हमने किया था goals and objectives of the firm. So ये सारे हमारे आते हैं functions, ठीक है, जिनके ऊपर हमारी सप्लाई डिपेंड करती है. फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन ऑल अदर फैक्टर्स, सप्लाई जिसके ऊपर इफेक्टेड होती है हमारी, ठीक है. अब इसी तरह से हमारे आते हैं मार्केट सप्लाई के. मार्केट सप्लाई में हमने ये तो ऐड करने ही है सारे फैक्टर्स,
क्योंकि इंडिविजुअल सप्लाई भी जो है मार्केट का पार्ट ही आएगी, ठीक है। सो इसके अंदर हमने कुछ एडिशन कर देनी है, ठीक है। अब सेम फॉर्मूला होगा हमारा, सॉरी फॉर्मूला करेंगे, ये सारे पॉइंट्स आ जाएंगे, प्लस मैं क्या कर दूंगी इसमें मार्केट सप्लाई के लिए यहाँ पे तीन वर्ड्स और ऐड कर दूंगे मैंने, जैसे मैंने आगे शॉर्ट फॉर्म्स लिखी थी एन एफ एंड एम, सो दीज पॉइंट्स आर लाइक हियर, सो फॉर मार्केट सप्लाई ये आ जाएंगे साथ में, ठीक है। सो फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन refers to the functional relationship between market supply and factors affecting the market supply of a commodity. So market में ये भी सारे effect करेंगे market को. So clear हो गया, ये दो मिनट का topic था बस. That is it. So all the points we are already done. Number of firms, then that was future expectation regarding it. And then afterwards, last one is means of transport and communication. So ये हमने सारे points कर लिए. So this is done. Now we are coming to supply schedule. So supply schedule, as I told you, there is direct relationship between price and quantity supplied. So ये चीज ध्यान में रखनी है, price and quantity supplied में relationship है यहाँ पे, ठीक है, price and quantity supplied में relationship है my dear students. समझ आ रहा है, ठीक है। सो इतना सा क्लियर हो गया सबको। अब हम लोग कर रहे हैं सप्लाई स्केड्यूल। अगेन आपके पास दो तरह के सप्लाई स्केड्यूल्स होते हैं, आई एम जस्ट गोइंग टू मेंशन इट हियर। इंडिविजुअल सप्लाई स्केड्यूल, सो इट विल बी लाइक दिस, यहाँ पे आ जाएगा मार्केट सप्लाई स्केड्यूल। स्केड्यूल आई टोल्ड यू व्हाट इज दैट स्केड्यूल, किसके साथ रिलेटेड होता है, इट इज रिलेटेड टू टेबल, जैसे वहां पे होता था हमारा, सो टेबुलर प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा वी कॉल इट एज दैट इज योर स्केड्यूल, दैट इज रिलेटेड टू योर स्केड्यूल। हाँ जी, सुन रहे हो सारे, सो तो नहीं गए, वी अंडरस्टूड वेल विद द ऑल द लाइक फंक्शनल रिलेशनशिप वाला जो हमने अभी किया था लास्ट पॉइंट, तो सेंड मी थम्स अप नाउ, सेंड मी थम्स अप, ओंकार भेजेगा तो शार भेजेगा मुझे थम्स अप, ठीक है। हाँ जी, ओंकार, ईशा भेजेगी मुझे अभी थम्स अप, अंशिका, हाँ जी, तो समझ आ गया, शुक्र है। बाकी जिनका मैंने नाम लिया भी भेजोगे आप लोग थम्स अप, अगर आप क्लास लगा रहे हो, नहीं लगा रहे हो तो पता चल जाना है। ईशा इज प्रेजेंट, अंशिका, जशनप्रीत सिंह अभी आया है, जशनप्रीत लेट, वेरी लेट, जसमीत, हाँ जी, सी द नेक्स्ट वन। सप्लाई स्केड्यूल इज अ टेबुलर स्टेटमेंट शोइंग वेरियस क्वांटिटीज ऑफ कमोडिटी बीइंग सप्लाइड एट वेरियस लेवल्स ऑफ प्राइस एंड ड्यूरिंग गिवन पीरियड ऑफ टाइम। तो वही चीजें हैं, बस उनको हमने क्या करना है, टेबल की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना डाटा को, ठीक है। सो यहाँ पे इसकी डेफिनेशन दी आपकी, सप्लाई स्केड्यूल इज अ टेबुलर प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, टेबुलर स्टेटमेंट वर्ड यूज किया है, tabular statement showing various quantities of a commodity being supplied at various layer. Next देखो, अब आपका था individual supply schedule. So individual supply schedule, check that one. So ये आपका simple है, मैं आपको बिल्कुल simple बना के बता रही हूँ। So यहाँ पे क्या है, आपके पास various combinations है, we are provided with price that is given in rupaya form. Okay, then we are given with quantity supplied. I'm just using it in short. Okay, so QS भी लिख दो तब भी कोई problem नहीं है. ठीक है, अब इसमें आप लिख, आप लोग जैसे पहले लिखते थे वैसे ही हमने लिखना है. हमने यहाँ पे direct relationship बताना है. So I've just written 1, 2, 3, 4, 5. So यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा 10, 20, 30, 40 and 50. So अगर ये बढ़ रहा है नीचे की तरफ, sorry, बढ़ रहा है तो ये भी बढ़ेगा, ये चीज आ रही है, ठीक है, अगर वो कम हो रहा है तो वो भी कम हो जाएगा, ठीक है। सो वाइस वर्सा कंडीशन इज देयर, वाइस वर्सा मींस ऑपोजिट इवन, इफ द ऑपोजिट इज देयर देन आल्सो द सेम रिलेशनशिप वी आर गोइंग टू सी। सो हियर वी हैव डायरेक्ट रिलेशनशिप, देखो प्राइस नीचे की तरफ जितनी जितनी यूनिट्स बढ़ती जा रहे हैं उतनी हमारी सप्लाई भी बढ़ती जा रही है। सो दिस इज डायरेक्ट रिलेशनशिप, दिस इज डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाइड। So your law of supply is also the same statement which I am discussing with you now. So my dear students, I hope that is clear to you. Itna sa schedule ka pata chal gaya. Ab
इसी के अंदर मैं तीन चार और बंदे ले लूंगी, ठीक है, तीन चार और सप्लायर्स ले लूंगी, तो व्हाट विल बी द मार्केट सप्लाई? मार्केट सप्लाई जैसे हमने पहले किया था, हमने 1, 2, 3, 4, 5, इट इज प्राइस अगेन इन रुपया, दे हैव मेंशन लाइक दिस, सो वन में नीचे का देखते हैं, ठीक है। सो एक तो हमारे पास ये आ गया क्वांटिटी सप्लाइड वन, हम लोग कर दें 30, 40 and 50, इन सबको ऐड कर दिया तो वी गॉट क्वांटिटी सप्लाइड इन द मार्केट। ऐसे हमने डिमांड का जब किया था, स्केड्यूल इंडिविजुअल एंड मार्केट में ऐसे किया था एडिशन करके उनका। अब इसका एडिशन कर लो, यहाँ पे क्या आता है 30, देन यहाँ पे आया 50, यहाँ पे आया 70, यहाँ पे आया 90, यहाँ पे आया 110। सो ये वैल्यूज हमने क्या कर बतानी है, ठीक है। सो मार्केट सप्लाई का ये समझ आ गया कैसे होता है, एंड इंडिविजुअल मार्केट इंडिविजुअल सप्लाई स्केड्यूल एंड मार्केट सप्लाई स्केड्यूल समझ आ गया अभी तक। इन्हीं के बेसिस पे हम लोग कर्व बनाते हैं, ठीक है। तो आगे कर्व्स की आ जानी है हमारे पास फॉर्म। हाँ जी, अभी तक जितना हमने किया सबको समझ आ गया? If you're getting all the things, please tell me. Hurry up. आधे से ज्यादा लोग मुझे यही लगता है कि मैसेज करके भाग जाते हैं उसके बाद। वेरी बैड ऑन योर पार्ट। कोई बात नहीं, मैंने कॉल करके पूछना स्टार्ट करना है आपको क्या समझ आया था आज। फिर अगर किसी ने मुझे बोला ना डाउट है, मैंने कहा ना तब क्यों नहीं पूछा। आई एम गोइंग टू कॉल यू रेगुलरली देन। जिनके आंसर्स नहीं ना आते उनकी फिर अच्छे से बेइज्जती होनी है। और मैंने पेरेंट्स के सामने बोलना है कि आप लाउड स्पीकर करो, पेरेंट्स को बोलना है और इनको आंसर करने दो। देखना तुम लोग, फिर तुम लोग खुद ही आइडियाज देते हो फिर अच्छे अच्छे टीचर्स को ऐसे स्ट्रिक्ट होने के लिए। हाँ जी, मार्केट सप्लाई में क्या होता है, लिसन, मार्केट सप्लाई में क्या होता है, हमारे पास दो तीन इंडिविजुअल जैसे हम लोग मान के चलते हैं कि हमारे पास है, ठीक है। सो इसमें क्या होता है, हम लोग इंडिविजुअल्स मान के चलते हैं काफी है हमारे पास, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैंने इंडिविजुअल्स जो सप्लायर्स थे, जो प्रोड्यूसर्स थे, यहाँ पे एक ही था इंडिविजुअल में, एक ही फॉर्म थी। यहाँ पे क्या है, दो दो मान लिया हमने। वी सपोज कि हमारी कंट्री में दो प्रोड्यूसर थे, वो दोनों सेम प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहे थे। अब दोनों को अगर हम मार्केट में ले रहे हैं, दोनों को ऐड करेंगे तो उसकी वैल्यू जो होगी दैट विल बी आर दिस इज मार्केट सप्लाई, ठीक है। स्केड्यूल जो आएगा दैट विल बी काइंड ऑफ दिस, ऐड करके वैल्यूज ले लेनी है, ठीक है। सो ये चीजें हैं। कोई बात नहीं बेटा जी, आज आज देखना तुम, मैं क्या क्या करने वाली हूँ। फिर अभी तो पेपर्स भी चेक होने हैं आपके, जल्दी। हाँ जी, नेक्स्ट देखो, सप्लाई एंड क्वांटिटी सप्लाइड। अब ये चीज क्या होती है, कल भी मैंने थोड़ा सा आपको बताया था सप्लाई क्या होती है। सप्लाई जो होती है जितना भी हम लोग ऑफर करते हैं फॉर सेल। मैंने आपको कल मार्कस वाला एग्जांपल बताया था कि अगर मैंने टोटल सप्लाई, टोटल जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस किया दैट इज स्टॉक, ठीक है, उसमें से जितना मैंने बेचा, मैंने आपको बोला था 7 मार्कस से टोटल मैंने जो प्रोडक्शन करी थी, उसमें से मुझे 5 का ऑर्डर मिला तो मैंने 5 बेच दिए, सो दैट इज सप्लाई। समझ आ गया ये पॉइंट? सो ये इन्होंने मेंशन किया है। क्वांटिटी सप्लाइड में क्या है, जितनी मैंने आपको भेजी है, ठीक है, ठीक है। सो क्वांटिटी सप्लाई रेफर्स टू अ स्पेसिफिक क्वांटिटी इन द सप्लाई स्केड्यूल सप्लाइड अगेंस्ट अ स्पेसिफिक प्राइस। जैसे यहाँ पे एक रुपए के पीछे 10 चीजें सप्लाई करी गई हैं, सो दिस इज क्वांटिटी सप्लाइड फॉर अ पर्टिकुलर प्राइस पे, इतने ही हमने सप्लाई करी है। 2 पे हमने 20 यूनिट्स करे सप्लाई, सो दिस इज व्हाट दे आर ट्राइंग टू से, ठीक है। सो मुझे लगता है ये 9.7 पेज पे आपका सप्लाई एंड क्वांटिटी सप्लाइड भी क्लियर हो गया। अगर क्लियर हो गया तो सेंड मी थम्स अप देन। उसके बाद कर्व, कर्व क्या होता है, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ दीज स्केड्यूल्स, ठीक है। इंडिविजुअल का भी होगा यहाँ पे, ठीक है, कर्व, एंड फॉर दिस आल्सो वी हैव द कर्व, ठीक है। सो व्हाट इज दैट, दे हैव जस्ट मेंशन सप्लाई कर्व, दोनों होने हमारे पास, मार्केट भी होना इंडिविजुअल कर्व भी होना, ठीक है। सो अगर हम सप्लाई की कर्व की बात करें तो क्या होता है, इट इज ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ सप्लाई स्केड्यूल, सो दिस इज व्हाट आई सेड टू यू। इन्हीं को अगर हम लोग ग्राफिकली ग्राफ के ऊपर बना के दिखा, सप्लाई कर्व, इतना क्लियर हो गया? पवनदीप को क्लियर हो गया जो आपकी प्रॉब्लम थी? पवन
सेंड मी दैट बेटा, अगर क्लियर हो गया तो बता दो, नहीं तो आई कैन गिव यू कॉल इन द इवनिंग आफ्टरवर्ड्स. पवन, इज दैट क्लियर टू यू माय डियर? हाँ जी, आगे मैं ग्राफ बना के बता रही हूँ आपको, देखो जरा कैसे करना है. सो इसका ग्राफ सीधा बनता है, कोई ऐसे चेंज नहीं आएगा, कुछ नहीं आएगा. सो आई एम नॉट गोइंग टू रिप्रेजेंट विद डाटा, ठीक है. यहाँ पे हमारी क्या आ जाएगी, यहाँ पे आएंगे क्वांटिटी सप्लाइड, ओरिजिन, वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस. हियर वी गोइंग टू रिप्रेजेंट व्हाट, यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, रिप्रेजेंट प्राइस, ठीक है. सो प्राइस हमारे पास पहले था, प्राइस यहाँ पे वन, अगर मैं ऐसे करके चलो बना के दिखा देती हूँ आपको, ठीक है. सो हमारे पास यूनिट्स थे, यहाँ पे मान लेते 10, 20, 30, 40, 50. ये बन गए यूनिट्स हमारे पास, ठीक है. जस्ट लुक एट दैट. अब हमारा फर्स्ट जो यूनिट था उसकी क्या उन्होंने बोला, हमारा पॉइंट ये आया, ठीक है. सेकंड देखो, मैंने बोला 20 है हमारे पास. थर्ड देखो, फोर्थ का देखो, फिफ्थ का देखो, वुड बी लाइक दिस. सो ये हमारा ऐसे बन जाएगा स्ट्रीट, मेरे से थोड़ा टेढ़ा बन रहा है, ये लाइन ऐसे डॉट्स आ जाएंगे इनके पर, इट विल बी स्ट्रेट लाइन कर्व एंड इट इज अपवर्ड स्लोपिंग, ठीक है. सो ये आपका एस, जैसे मैं ऐसे बोल दू सप्लाई कर्व, मैं लोग ऐसे कहते काट देते जैसे एस, तो काइंड ऑफ ऐसा ही आपका कर्व बनेगा, ठीक है. ऐसा बन रहा है स्ट्रेट लाइन, यहाँ से नीचे से ऊपर को जाएगा, ये सप्लाई जैसे बढ़ती जाएगी वो ऊपर की तरफ वैसे ही बनता जाएगा, ठीक है. ये समझ आ गया इंडिविजुअल सप्लाई कर्व हमने कैसे बनाया, आपकी बुक में सिंपली इनको अटैच करके उन्होंने फिर पॉइंट्स बना के फिर उसके बाद लाइन बनाई है, दैट्स इट. वैसे अगर मैं सिंपल बनाऊंगी तो इट वुड बी लाइक दिस, ठीक है. दिस इज द सप्लाई कर्व, सो देन आई मेंशन लाइक दिस, ठीक है. डिमांड का हमारा कैसा होता था, डिमांड का ऐसे होता था, है ना. क्या नहीं समझ आया, यहाँ पे थी फर्स्ट वैल्यू, देखो प्राइस मैंने यहाँ पे, देखो वैल्यूज मैंने ली है सारी, सुरीना वैल्यूज ली है यहाँ पे. यहाँ पे थी फर्स्ट वैल्यू, देखो प्राइस मैंने यहाँ पे मेंशन किया है 1, 2, 3, 4, 5, ये वैल्यूज ले ली, प्राइस मेंशन कर दिया. उसके बाद क्वांटिटी सप्लाइड मैंने यहाँ पे ली है 10 यूनिट्स, 20, 30, 40, 50, बस इनकी जो वैल्यूज है वही मैंने रिप्रेजेंट करी और उसी को ज्वाइन कर दिया, दैट इज अ लाइन. सो मेरा कर्व काइंड ऑफ दैट जो मैंने पहले आपको बताया था वैसे हम हमारा मेंशन कर देंगे. हाँ जी, सुरीना को समझ आ गया. सुरीना, आर यू एबल टू ड्रॉ द डायग्राम नाउ, मेरे को बताओ अच्छे से. फिर देखो डायग्राम से नहीं समझ आते सुरीना, जस्ट गिव मी आंसर व्हाट दिस. अभी भी समझ नहीं आया सुरीना, हरी अप, गिव मी आंसर क्विकली. पवन को समझ आया, पवन कैसे किया हमने, मैं इसको थोड़ा सा जगह देती हूँ, सीधी जो लाइन, ठीक है. सो ऑलमोस्ट लाइक दिस हमारा कर्व बन जाएगा. आ गया पक्का, चलो ऐसे बना लेते हमने डायग्राम. अब सेम हमने इसके लिए बनाना है, ठीक है. अब मैं इसको बना के बताती हूँ, इसको रब कर देती हूँ पूरा का पूरा, फिर आपको ये वाला बना के बताती हूँ, क्योंकि इसके ऊपर हमारे तीन ग्राफ बनने हैं, तीन पॉइंट बनने हैं. तो हमारा पहला वाला ग्राफ बनेगा, देखो जरा.
y एक्सिस x एक्सिस ठीक है, अब ये पॉइंट्स हमारे बने फिर से, दिस विल बी द फर्स्ट वन, ये अब ऐसे ग्राफ बन जाएगा, दिस इज s, s यहां से स्टार्ट होगा ना, s s डैश, दिस इज हाउ वी रिप्रेजेंट द सप्लाई कर्व। अब दूसरा वाला था, दूसरे वाले में क्या होगा, हमारी वैल्यू स्टार्ट हुई 20 से, तो हम लोग यहाँ से स्टार्ट कर देंगे ये वाला कर्व, मैं एक वैल्यू और डाल देती हूँ यहाँ पे, इट विल बी 60, इसी के ऊपर नेक्स्ट वाला कर्व बना देती हूँ, सेम आएगा हमारा, यहाँ पे वैल्यू आ गई, सॉरी फर्स्ट वैल्यू यहाँ पे आई, सेकेंड यहाँ पे आ जाएगी, थर्ड यहाँ पे आ जाएगी, सो ऑलमोस्ट लाइक दिस ये बन जाएगा, ठीक है, so this will be s, ये दूसरा वाला जो था s2 वाला, ठीक है, उसके बाद वाली वैल्यू थी हमारी that is 50, सेकेंड यूनिट पे वैल्यू थी 50, फर्स्ट यूनिट पे 30 थी, नेक्स्ट वाले पे है 50 थी, उसके बाद है 70, अब मुझे ये इसको एक्सटेंड करना है, सो इट विल बी 70 देन 80 90 110 ये आ गया 110, ठीक है, अब इसकी वैल्यू ये आ गई सेकेंड वाले की, थर्ड की देखो, थर्ड की वैल्यू थी 50, क्या था सेकेंड की वैल्यू 50 थी, थर्ड वाले की वैल्यू है 70, सो थर्ड के सामने में यहाँ पे करूंगी, नेक्स्ट वाला देखो उसके बाद दैट इज 90, फोर्थ पे हमारी वैल्यू है 90, तो ये कब यहाँ पे जाएगा, आगे नेक्स्ट वाला देखो उसके बाद फिफ्थ वाले पे हमारी वैल्यू दैट इज 110, सो ये ऐसे हमारा कब चला जाएगा, ठीक है, हमने जो इंडिविजुअल में किया था सिंपल आया था हमारा कर्व, बट ये जो कर्व है ये हमारा यहाँ से ऐसे जाएगा, ठीक है, ये डिफरेंस और कुछ नहीं है मार्केट सप्लाई में, आ गया समझ, अभी मैंने वही आपको डायग्राम में बना के दिखाया, तीनों कर्व्स दिखा दिए, दिस इज योर मार्केट सप्लाई कर्व, ठीक है, ये थोड़ा दूर आएगा, इनसे क्लोजअप में नहीं आएगा, दूर आएगा थोड़ा सा, क्योंकि इनके एडिशन करके फिर हमने ये निकालना है, इज दैट क्लियर टू एवरीवन, इतना क्लियर हो गया, अगर क्लियर है तो सेम ही थम्स अप, देन आपकी बुक में भी देखो ऐसे बना हुआ है कर्व ऑन पेज नंबर दैट इज 9.8, सो मार्केट सप्लाई कर्व हमारा फ्लैटर होता है, सो मार्केट सप्लाई कर्व इज ऑलवेज फ्लैटर एज कंपेयर टू इंडिविजुअल फर्म, ठीक है, सो इंडिविजुअल के हिसाब से ये देखो काफी क्या है, स्टीप है, स्लोप बन रही है प्रॉपर, यहां पे ये फ्लैट हो जाएगा, देखो उनके कंपैरिजन में ये फ्लैट जा रहा है, ठीक है, सो आई गेस दिस इज क्लियर टू यू, सो नेक्स्ट इन्होंने ये लिखा मार्केट सप्लाई कर्व इज फ्लैटर, सो आपको ये एमसीक्यूज में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मार्केट सप्लाई कर्व कैसा होता है, सो दैट इज ऑलवेज फ्लैटर, नेक्स्ट इज स्लोप ऑफ सप्लाई कर्व, अगेन सेम चेंज इन प्राइस ओवर क्वांटिटी जैसे हम लोग लेते थे सेम वैसा आएगा, सो स्लोप कैसे आ जाएगा हमारा, स्लोप का फॉर्मूला जो हमारा पहले था, so change in price over change in quantity, so triangle is always represented for change, ठीक है, so change in price over change in quantity, so this is the point, now is that clear, सुरीना को समझ आना स्टार्ट हो गया, अब कैसे हम लोग डायग्राम्स बनाते हैं इसी के जैसे हमने डिमांड में बनाए थे, ठीक है माय डियर, सो इसी के जैसे हमने डायग्राम्स बनाए थे, आई गेस दैट इज क्लियर टू यू, क्लियर है सबको, हाँ जी डन टिल दिस, दिस इज डन, नाउ लॉ ऑफ सप्लाई, सो लॉ ऑफ सप्लाई इज ऑलमोस्ट योर इंडिविजुअल सप्लाई
जो हमने कर्व किया था, स्केड्यूल किया था, वही है जैसे हमने इंडिविजुअल वहां पे किया था डिमांड कर्व में, ठीक है। सो जो लॉ ऑफ डिमांड का हमने जैसे किया था वैसे ही है माय डियर स्टूडेंट्स। इतना समझ आ गया सबको? हाँ जी, सबको आ गया इतना समझ? चलो जरा अब लॉ ऑफ सप्लाई के जरा मैं आपको थोड़े से चीजें बता दूंगा आज, इसके बाद फिर मैं आपका लेसन खत्म कर रही हूँ, ठीक है। सो ये मुझे थोड़ा सा बताने दो, एक्सेप्शन तक वो हम लोग कल ज्यादा डिटेल में कर लेंगे। सो लॉ ऑफ सप्लाई क्या होता है? सो आई ऑलरेडी टोल्ड यू लॉ ऑफ सप्लाई स्टेट्स दैट डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं होगा पेरिशेबल गुड्स, जो हमारी चीजें एक दो दिन में गल सड़ जाती है, जैसे दूध है खराब हो जाएगा, ठीक है, चीजें हैं सड़ जाती हैं, फ्रूट्स वगैरह वेजिटेबल्स वगैरह थोड़े टाइम के बाद वो सड़ जाते हैं, उनको कहते हैं पेरिशेबल गुड्स, नॉट नॉन ड्यूरेबल गुड्स जो हम लोग कहते हैं, ठीक है। सो पेरिशेबल गुड्स लाइक वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एक्सेट्रा, सेलर्स विल बी रेडी टू सेल मोर इवन इफ द प्राइसेस आर फॉलिंग, सो दिस इज द रीजन। अच्छा एक चीज ये बताती हूँ, बड़ा बड़ा कॉमन सा एग्जाम्पल है, आपने कभी देखा होगा कई लोग ना रात को जाते हैं शॉपिंग करने के लिए, तो दिस इज ऑल्सो द रीजन कि उस टाइम पर उन्होंने एटलीस्ट जो है शॉपकीपर्स ये सोच होते हैं कि चलो सुबह के बड़े पैसे कमा रहे हैं, अब जो है हमारे पास एटलीस्ट नेक्स्ट डे सड़ जाएगा उससे तो अच्छा है हम कम प्राइस पे बेच दें, तो वो बेचते हैं चीजें रात को, ठीक है। सो आई हैव सीन लाइक मेरी मेड जो थी वो शाम को जाती थी सब्जी लेने के लिए, सो दिस वॉज अ पॉइंट, ठीक है। नेक्स्ट इज रेयर आर्टिकल्स, सो रेयर आर्टिकल्स के केस में ये नहीं होता है एप्लीकेबल, सो वॉट इज द रीजन बिहाइंड दिस, आई एम जस्ट गोइंग टू एक्सप्लेन इट। So rare artistic and precious articles are also outside the scope of law of supply. So यहाँ पे उन्होंने कहा painting of Mona Lisa, antiques जो होती हैं आपकी जैसे कोहिनूर का हीरा है, so उनके ऊपर भी ये आपका नहीं apply होता, ठीक है। So antiques like things, इनके prices increased ही रहेंगे, कम नहीं होते कभी, जब ये supply कभी बढ़ेगी नहीं। Antiques तब भी होते हैं जब इनकी supply कम है, ठीक है, तभी इनके प्राइसेस ज्यादा होते हैं। नेक्स्ट थिंग इज बैकवर्ड कंट्रीज, सो बैकवर्ड कंट्रीज में भी ये कंडीशन अप्लाई नहीं होती, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट योर लॉ ऑफ सप्लाई, ठीक है। अब हम लोग कल करेंगे मूवमेंट्स एंड शिफ्ट्स अलोंग द कर्व। सो थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट्स, भी आपकी नेक्स्ट क्लास का भी टाइम हो गया, ठीक है। सो गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, योर फैमिली, एंड बी वेरी हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग, ठीक है। इम्यूनिटी बूस्ट वाली चीजें खाओ, ठीक है। पेरेंट्स का ख्याल रखो, बिना काम के नहीं बाहर जाना, अगर जाना पड़ता है तो यू शुड वेयर ऑल द क्लोथ्स विच आर बॉडी कवर्ड, ठीक है, जिसमें आपकी फुल बॉडी कवर्ड हो, ठीक है। इवन प्रॉपर मास्क लगा के, ग्लव्स पहन के, सैनिटाइजर इन योर पॉकेट, सो एवरीथिंग यू शुड कीप इट विद यू अगर आपको इमरजेंसी में जाना पड़ता है। सो टेक केयर माई डियर स्टूडेंट्स, सो गॉड ब्लेस यू।